नमस्कार दोस्तों, लॉजिक प्रेस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के सेकंड लेक्चर में। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, नेटवर्किंग क्या होती है, डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगी, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के टाइप्स, टोपोलॉजीज एंड टाइप ऑफ नेटवर्क। तो जस्ट एक बार रिव्यू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने देखा था कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब था कि किसी भी दो पार्टीज या दो डिवाइसेस के बीच में जब हमें डेटा ट्रांसमिशन करना होता है तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में दोस्तों हमें फाइव कंपोनेंट हमें चाहिए होते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा सेंडर, दूसरा कंपोनेंट है हमारा रिसीवर, तीसरा कंपोनेंट है हमारा मैसेज, चौथा कंपोनेंट है हमारा मीडियम एंड लास्ट कंपोनेंट है दोस्तों हमारा प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, हमें सेंडर से रिसीवर तक डेटा सेंड करने के लिए हमारे पास एक मैसेज होना चाहिए। उस मैसेज को हम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम ट्रांसमिशन मीडियम से के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डेटा क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या होगा, सोर्स साइड पर हमारे पास सोर्स होगा और ट्रांसमीटर होगा, ऐसे ही डेस्टिनेशन एंड पर हमारे पास रिसीवर एंड डेस्टिनेशन होगा। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम बीच में यूज करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम दोस्तों हमारा वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आप देख रहे हैं कि जैसे सपोज करिए एक वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन से मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है सर्वर पे। तो सर्वर क्या कर रहा है, मॉडम की हेल्प से अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ट्रांसमिशन मीडियम में। ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हमारा डेटा ट्रेवल करता हुआ रिसीविंग एंड पे पहुंचा, रिसीविंग एंड पे हमारे रिसीवर ने सिग्नल रिसीव करे एंड देन उसे कन्वर्ट करके भेज दिया हमारे सर्वर के पास में। तो डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो डेटा कम्युनिकेशन में आप देखते हैं कि हमारा जो भी कंप्यूटर है वो हमेशा डिजिटल सिग्नल क्रिएट कर रहा है। मीन्स हमारा जो भी टेक्स्ट है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो जैसे सपोज करिए सोर्स साइड पे मैंने टेक्स्ट लिखा, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब डिजिटल सिग्नल मेरे ट्रांसमिशन जो भी ट्रांसमीटर है उसने डिजिटल को कन्वर्ट कर दिया एनालॉग के अंदर। फिर ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू एनालॉग सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं। उसके बाद रिसीविंग एंड पे जैसे ही हमारे पास एनालॉग सिग्नल आए तो रिसीवर ने उसे कन्वर्ट कर दिया डिजिटल के अंदर। और फिर डेस्टिनेशन एंड पे जो भी डिजिटल सिग्नल थे उसको हमने प्रेजेंटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डेटा कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद देखा था हमने कि डेटा क्या होता है। तो डेटा किसी भी टाइप का रॉ फैक्ट, रॉ मटेरियल वो कहलाता है हमारा डेटा। तो डेटा हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो फाइल भी हो सकती है हमारी डेटा। उसके अलावा दोस्तों हमारा डेटा फ्लो के मेथड्स, तो डेटा फ्लो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला है हमारा सिंप्लेक्स, दूसरा है हमारा हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है हमारा फुल डुप्लेक्स। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सिंप्लेक्स का मतलब हो गया कि हम वन वे डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में हमने देखा था कि डेटा हम बोथ एंड से ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, बट एट ए टाइम एक काम कर सकते हैं, या तो रिसीव कर सकते हैं या फिर ट्रांसमिट। और फुल डुप्लेक्स में दोस्तों हमने देखा था कि हम दोनों एंड से सेम टाइम पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों फिर हमने देखा था नेटवर्क एंड टाइप ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क का मतलब था हमारा कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं हमारे को इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्टिंग का वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा नेटवर्क। तो जैसा आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उन सारे कंप्यूटर्स को आपस में हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। तो ये कहलाता है हमारा नेटवर्क। फिर हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास दो तरीके की कनेक्टिविटी हो सकती है, एक पॉइंट टू पॉइंट और एक मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब हो गया जब हमारे पास ओनली सिर्फ दो डिवाइसेज है और दो डिवाइसेज के बीच में हमें डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो कहलाता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट। और जब हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा डिवाइसेज है तो उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होगी वो कहलाएगी हमारी मल्टी पॉइंट। उसके बाद हमने दोस्तों देखा था टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजीज में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास पांच मेन टोपोलॉजीज है। पहली थी हमारी मैश टोपोलॉजी, दूसरी है स्टार, तीसरी ट्री, पर्स और रिंग। तो
तो ये सारी टोपोलॉजीज हमने देखी। इन टोपोलॉजीज में देखा कि सबसे बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, कौन सी थी हमारी वर्स्ट टोपोलॉजी है, सबसे ज्यादा यूज कौन सी की जाती है, वो सारी चीजें। तो जैसे हमने देखा कि अगर सबसे बेस्ट टोपोलॉजी देखी जाए तो मेश टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट इसका ड्रॉबैक क्या था हमारा कि नंबर ऑफ जो केबल्स है वो बहुत ज्यादा थी। तो आज की डेट में जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्टार, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम कोई ना कोई नेटवर्क टोपोलॉजी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, कि हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, राउटर समथिंग, इनका यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है उनकी जो परफॉर्मेंस होती है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर हमारी बहुत बेस्ट होती है। तो हमने ये टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और उसके बाद हमने एक और टॉपिक देखा था नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस भी दोस्तों हमने देखा था कि हमारे पास हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है, मॉडेम है, फायरवॉल्स है। तो ये कुछ हमारी नेटवर्क डिवाइसेस है जिनको हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो हमने देखा था कि 4-5 अगर हमारे पास कंप्यूटर्स है उनको आपस में कनेक्ट करना है तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं हब का। तो हब एक छोटी नेटवर्क डिवाइस है, कनेक्टिंग के काम में आती है ये, इसका हम यूज कर रहे थे हम फिजिकल लेयर पे। फिर ऐसे हमने देखा था स्विचेस है, ब्रिज है, जिनका हम यूज कर रहे थे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए डेटा लिंक लेयर पे। राउटर, गेटवे, ये हम यूज कर रहे थे नेटवर्क लेयर पे। तो ये कुछ हमने देखा था दोस्तों। नाउ अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक हमारा, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल होता क्या है दोस्तों? तो ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन किसने डेवलप किया दोस्तों? तो हमारी ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक स्टैंडर्ड बोल सकते हैं जिसने इस मॉडल को डेवलप किया है। ओएसआई मॉडल को दोस्तों हम रेफरेंस मॉडल कहते हैं। रेफरेंस मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मॉडल को हमने थ्योरेटिकली इम्प्लीमेंट किया है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इसलिए ये कहलाता है हमारा रेफरेंस मॉडल। तो रेफरेंस मॉडल के अंदर हमारे ओएसआई मॉडल के अंदर दोस्तों हमारे 7 लेयर्स है। सबसे पहली लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद दे रखी है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, फिर दे रखी है सेशन लेयर, नाउ फिर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो दोस्तों जब हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सेंडिंग साइड पे ये लेयर्स काम में आती है हमारी टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में हमारी एप्लीकेशन लेयर वहां पर हो जाएगी फर्स्ट नंबर की लेयर एंड डेटा फिजिकल लेयर हो जाएगी हमारी 7 नंबर की लेयर। ऐसे जब हम अगर रिसीविंग एंड पे बात करें तो रिसीविंग एंड पे ये मॉडल काम करता है बॉटम टू अप। तो उस केस में हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो कहलाएगी हमारी फिजिकल लेयर एंड लास्ट लेयर कहलाएगी हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो डिपेंड करता है कि हम डेटा सेंड कर रहे हैं या डेटा रिसीव कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम इन जो ये लेयर्स हैं उनका सीक्वेंस दोस्तों याद करके रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किस लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर का दोस्तों मतलब हो गया कि जितने भी हमारे नेटवर्क के रिसोर्सेज है उनको अगर आपको एक्सेस करना है, यूज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? एप्लीकेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर का दोस्तों मतलब हो गया कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के बीच में अगर आपको मैसेज ट्रांसमिट करने हैं तो हम एप्लीकेशन लेयर का यूज करेंगे। तो जैसे कि सपोज करिए आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन है। अब किसी एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन से आपको आपके फ्रेंड के व्हाट्सएप पे आपको मैसेज सेंड करना है, तो इसका मतलब दो एप्लीकेशन लेयर के बीच में आप क्या कर रहे हैं? डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो वहां पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी? हमारी एप्लीकेशन लेयर की। नाउ फिर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का दोस्तों काम होता है डेटा को ट्रांसलेट करने का, एनक्रिप्ट करने का या कंप्रेस करने का। कि जैसे सपोज करो आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई भी ऑडियो वीडियो फाइल्स आप सेंड करते हैं तो जिस साइज की फाइल होती है क्या वही ट्रांसमिट होती है? नहीं, आपने देखा होगा हमेशा वो फाइल क्या हो जाती है? आपकी कंप्रेस हो जाती है। व्हाट्सएप उसे क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, ताकि आप बड़ी फाइल की बजाय आपकी छोटी फाइल जल्दी से ट्रांसमिट हो जाती है ना। तो ये डेटा को कंप्रेस करने का काम, उसको एनक्रिप्ट करने का काम, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारी प्रेजेंटेशन लेयर की। नाउ फिर हम बात करते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर का दोस्तों मतलब हो गया कि एंड टू एंड आपको
लॉग इन करना है या एंड टू एंड आपका एनक्रिप्शन जो भी प्रोवाइड करवाने का काम है वो किसका हो गया हमारा सेशन लेयर का। तो सेशन लेयर हमें एस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन को मैनेज करने का काम करता है और टर्मिनेट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि सपोज करो आपको मेल सेंड करना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जीमेल पे लॉग इन करते हैं। तो जीमेल पे लॉग इन करते हैं इसका मतलब आपने क्या कर दिया, एक सेशन एस्टेब्लिश कर लिया है सर्वर के साथ। फिर आप क्या करते हैं, मेल वगैरह सेंड करते हैं, मेल वगैरह डाउनलोड करते हैं, रीड करते हैं, तो वो सारा काम क्या हो गया, आप तब तक आपका सेशन क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। और जब आप सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी जीमेल अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं। तो लॉग आउट करने का मतलब हो गया कि अब आपका जो कनेक्शन था उसको आप टर्मिनेट कर रहे हैं। तो सेशन लेयर पे हमेशा तीन टास्क परफॉर्म होती है, पहला आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, दूसरा कनेक्शन को मैनेज करना और तीसरा हो गया सेशन को टर्मिनेट करना। नाउ फिर दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है हमारी प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज की डिलीवरी करना, कि हमें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में मैसेज को डिलीवर करना है, रिलायबल कनेक्टिविटी देनी है। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम उसके अलावा एरर रिकवरी करना है ना, या आपको रिलायबल सर्विस देना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की। अब दोस्तों हम की बात करते हैं ये प्रोसेस टू प्रोसेस का मतलब क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, कि सपोज करिए जैसे कि आपने ये कंप्यूटर डिजाइन कर दिया और उस कंप्यूटर पर हमने मान लिया कि 4 प्रोसेस रन हो रहे हैं, ठीक है। कि सपोज करिए जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, मे बी हो सकता है ये आपका जीमेल हो सकता है फेसबुक हो सकता है आप कोई भी गूगल वगैरह अकाउंट चला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ अब ऐसे ही सेम एक और कंप्यूटर है जिसपे भी आपने 3 एप्लीकेशन रन कर दी, जैसे ये आपका व्हाट्सएप, फेसबुक और जीमेल, ठीक है। अब ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है बट बीच में क्या है, हमारा एक मीडियम है, ठीक है। और मीडियम पे आप देखिए कि दोस्तों बहुत सारी कनेक्टिंग डिवाइसेस हो सकती हैं, तो सपोज करिए ये एक नेटवर्क हो गया और इस नेटवर्क के थ्रू हमारा 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। अब मुझे दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे एक कंप्यूटर है जिसपे व्हाट्सएप चल रहा है और इस व्हाट्सएप एप्लीकेशन से मुझे दूसरे व्हाट्सएप एप्लीकेशन के बीच में क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। तो ये जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है वो क्या हो गया, हमारा एक प्रोसेस हो गया। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस टू प्रोसेस, वो होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, पर्टिकुलर एक प्रोसेस से आपने अगर व्हाट्सएप से डेटा भेजा तो वो आपका नेटवर्क के थ्रू होता हुआ व्हाट्सएप पे ही जाएगा। तो वो जो ट्रांसमिट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो गई हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में दोस्तों हम यहाँ पे यूज करते हैं पोर्ट एड्रेस जो कि हमारा होता है 16 बिट का। तो जितनी भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हर एप्लीकेशन पे हम कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज करते हैं और हर प्रोटोकॉल का कोई ना कोई हमारा क्या होगा, पोर्ट एड्रेस होगा। पोर्ट एड्रेस होता है हमारा 16 बिट का। तो जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज कर रहे हैं तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में पोर्ट एड्रेस का यूज करते हुए डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो हमारे को 2 प्रोटोकॉल प्रोवाइड करवाती है। एक तो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP और दूसरा होता है हमारा UDP। तो TCP का मतलब हो गया यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का मतलब हो गया यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जब भी आपको रिलायबल सर्विस करनी है, रिलायबल सर्विस का मतलब हो गया कि आपने डेटा ट्रांसमिट किया और ट्रांसमिट करने के बाद आपको उसका रिप्लाई मिल गया, उसका एक्नोलेजमेंट मिल गया, तो उस टाइप की आपको अगर सर्विस यूज करनी है तो आप यूज करेंगे TCP प्रोटोकॉल, मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और UDP का मतलब हो गया यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, मीन्स आपने डेटा ट्रांसमिट किया, आप जरूरी नहीं कि आपको उसका कंफर्मेशन मिले, तो उस केस में आप यूज करेंगे UDP का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज करिए आपने कोई लेटर लिखा और लेटर को आप पोस्ट बॉक्स में डालकर आ गए, ठीक है, आपने एड्रेस वगैरह मेंशन कर दिया उसमें। अब वो आपका लेटर डिलीवर हुआ या नहीं हुआ तो आप देखते हैं आपके पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं आएगा। बट अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं, या अगर आप स्पीड पोस्ट की बजाय अगर आप जैसे कि किसी को कॉल कर रहे हैं तो कॉल कर रहा है आपने तो सामने वाले ने आपकी कॉल पिक कर लिया, तो जैसे आप हेलो बोलते हैं तो वहां से रिप्लाई आ जाता है आपके पास, हाय हेलो समथिंग जो भी है। तो वो जो रिलायबल सर्विस है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हमारी TCP की, और जो लेटर वाला काम हो गया वो हो गया हमारा UDP का।
नाउ फिर हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम हो गया दोस्तों कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में डेटा को डिलीवर करना या पैकेट को ट्रांसमिट करना, वो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है हमारी नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर हमारे को इंटरनेट वर्किंग की सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे हम दोस्तों राउटिंग एल्गोरिथम्स भी यूज करते हैं। राउटिंग एल्गोरिथम का यूज होता है कि हमारे को सोर्स से डेस्टिनेशन डेटा सेंड करने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का जो काम है वो किसका है, हमारा नेटवर्क लेयर का। तो नेटवर्क लेयर को दोस्तों हम समझते हैं, सपोज करिए कि जैसे इस डायग्राम में ये एक हमारा कंप्यूटर था, तो इस कंप्यूटर को अब हम बोलेंगे होस्ट, ठीक है। और अब ये दूसरा कंप्यूटर हो गया जिसे बोलते हमने होस्ट, तो ये होस्ट ए हो गया और ये होस्ट बी हो गया। अब होस्ट ए से होस्ट बी के बीच में अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, तो वो जो जिम्मेदारी है या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारी नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर के केस में हम यूज करते हैं यहाँ पे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दोस्तों हमारा होता है, अगर हम IPv4 यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारा आईपी एड्रेस होगा 32 बिट का, और अगर हम IPv6 यूज करते हैं तो उस केस में हमारा जो एड्रेस होगा वो होगा 128 बिट का एड्रेस, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे जब भी होस्ट से होस्ट के बीच में डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस केस में हम यूज करेंगे आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो किसी भी एक वर्जन का यूज करते हुए हम अपना डेटा क्या करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वो हम फाइंड आउट करते हैं नेटवर्क लेयर की हेल्प से। तो आप देख रहे हैं जैसे मल्टीपल रूट हमारे पास हो सकते हैं, तो इनमें सब में सबसे छोटा कौन सा रूट है वो फाइंड आउट करने का काम है हमारा नेटवर्क लेयर का। नाउ अब हम बात करते हैं फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर का काम होता है दोस्तों कि एक हॉप से दूसरे हॉप के बीच में जब भी आपको फ्रेम ट्रांसमिट करने हैं तो हम किसका यूज करते हैं, डेटा लिंक लेयर का। तो डेटा लिंक लेयर का काम होता है हॉप टू हॉप मैसेज की डिलीवरी करना, और वो मैसेज यहाँ पे कहलाता है फ्रेम। तो जब भी हमें एक हॉप से दूसरे हॉप के बीच में फ्रेम ट्रांसमिट करने हैं या मैसेज ट्रांसमिट करने हैं तो हम यूज करेंगे डेटा लिंक लेयर। उसके अलावा डेटा लिंक लेयर पे दोस्तों हम एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, इस तरह की मैकेनिज्म भी यूज करते हैं। एरर कंट्रोल या फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो आपके पास डेटा लिंक लेयर पे कोई डेटा है 1011 और आपने ट्रांसमिट किया, जब आपको रिसीविंग एंड पे डेटा मिला 1101, तो आप देख रहे हैं आपकी दो बिट जो है वो चेंज हो गई। तो अब ये बिट चेंज हुई या नहीं हुई वो कैसे पता लगेगा, तो वो जो फाइंड आउट करने की जिम्मेदारी है, इस एरर को फाइंड आउट करना या उसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी, वो होती है हमारी डेटा लिंक लेयर। उसके बाद दोस्तों फिर हम जाते हैं फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर का मतलब क्या हो गया कि अब आपके पास दो कंप्यूटर है और उनको आपस में क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आप वायर्ड या वायरलेस किसी भी मीडियम के थ्रू आपस में दोनों कंप्यूटर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो वो जो कनेक्टिविटी है वो कौन प्रोवाइड करवाता है आपको, फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर्स होती है हमारी OSI मॉडल पे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है दोस्तों। नाउ अब हम बात करते हैं इसका लेयर आर्किटेक्चर। तो लेयर आर्किटेक्चर क्या कहता है दोस्तों कि अब आपको क्या करना है, किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे जो पहला कंप्यूटर है उस पर भी हमारी 7 लेयर्स होगी और जो सेकंड कंप्यूटर है उस पर भी हमारी 7 लेयर्स होगी। अब हमें डेटा ट्रांसमिट करना है, तो सपोज करिए हम मान लेते हैं कि ये जो ए है वो सेंडर है और जो बी है वो रिसीवर है। तो सबसे पहले सेंडर ए क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों का यूज करते हुए एक मैसेज प्रिपेयर करेगा और उस मैसेज को वो सेंड करेगा। तो सपोज करिए ये हमारा मैसेज है, अब इस मैसेज को हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो सबसे पहले वो मैसेज जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैसेज आया तो उस मैसेज के आगे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, अपना हेडर ऐड कर देगा। तो जब हम सेंड करते हैं तो उस समय हम हेडर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जब हम रिसीव करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, एक एक करके हेडर को रिमूव करते जाते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने हेडर क्या कर दिया,
ऐड कर दिया, और इस हेडर के अंदर हम मेंशन कर देंगे कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, टीसीपी यूज कर रहे हैं या यूडीपी कर रहे हैं। उसके अलावा फिर हम जो भी पोर्ट एड्रेस यूज कर रहे हैं, मीन्स कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कि आप फाइल ट्रांसमिट कर रहे हैं या आप चैटिंग कर रहे हैं, मीन्स जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपका जो भी पोर्ट नंबर है वो आप यहाँ पे हेडर के अंदर मेंशन कर देंगे। तो जैसे ही ये मैसेज आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया दोस्तों, अब ये कन्वर्ट हो गया आपका सेगमेंट के अंदर। अब आप इस सेगमेंट को ट्रांसमिट कर देंगे नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर पे जैसे ही ये सेगमेंट आएगा, तो अब आप देखिए ये पूरा सेगमेंट आपने ट्रांसमिट किया था जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट हेडर आपने ऐड कर रखा था। तो मैं यहाँ पे टी मेंशन कर देता हूँ एक बार, ठीक है, कि ये ट्रांसपोर्ट हेडर है। अब आप क्या करेंगे, इसके आगे नेटवर्क लेयर पे जैसे आएंगे तो अब नेटवर्क हेडर आप क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे दो तो हेडर हो गए आपके, एक नेटवर्क का हेडर हो गया ट्रांसपोर्ट हेडर और देन ये मैसेज, ठीक है। अब नेटवर्क हेडर पे आप क्या करेंगे, कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम आप यूज करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, वो चीज आप मेंशन कर देंगे, आईपी एड्रेस वगैरह आप मेंशन कर देंगे, और ये सारी डिटेल मेंशन करते हुए अब आप क्या करेंगे, इसको सेंड करेंगे डेटा लिंक लेयर पे। तो इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे पैकेट। तो नेटवर्क लेयर पे जो हमारे पास मैसेज है उस मैसेज को हम बोलते हैं यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में पैकेट। अब पैकेट को हमने ट्रांसमिट कर दिया डेटा लिंक लेयर पे। तो जैसे ही डेटा लिंक लेयर पे आएगा तो डेटा लिंक लेयर भी क्या करेगा कि यहाँ पे नेटवर्क हेडर और ट्रांसपोर्ट हेडर तो पहले से ही था, अब इसके आगे वो अपना डेटा लिंक हेडर क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस हेडर के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल की कौन सी मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे एरर है या नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो भी मेथड है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके अलावा डेटा लिंक लेयर पे हम दोस्तों यहाँ पे यूज करते हैं मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड देन इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज था, मैसेज को हमने कन्वर्ट किया सेगमेंट में, सेगमेंट से कन्वर्ट हो गया वो पैकेट्स में, पैकेट से कन्वर्ट हो गया फ्रेम के अंदर, और अब ये फ्रेम जैसे ही हमारे फिजिकल लेयर पे जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे बिट्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब ये जो बिट्स है वो हमारा एक जगह से ट्रेवल करते हुए एक एंड से दूसरे एंड पे पूछेगा, जैसे ही दूसरे एंड पे पूछेगा तो अब फिजिकल लेयर से वापस इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आपने जब पैकेट सेंड किया था तो वहां पे आपने सेंड किया था बिट्स, बिट्स आपके सिग्नल में ट्रांसमिट हुए और अब वो ट्रांसमिट होते हुए आपके फिजिकल लेयर पे आ गए। तो वापस से सिग्नल को हमने कन्वर्ट कर दिया अपने बिट्स के अंदर, बिट्स फिर जैसे ऊपर जाएंगे डेटा लिंक लेयर पे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रेम। तो अब फ्रेम पे क्या होगा हमारा, ये जो हमने हेडर ऐड किया था तो ये हेडर हमने यहाँ पे ऐड किया था, तो इस हेडर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और फिर देन इस फ्रेम को आगे सेंड कर देंगे नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर पे अब क्या रिसीव होगा हमारे पास, पैकेट। तो पैकेट नेटवर्क लेयर पे जाके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि नेटवर्क इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, और फिर उसके बाद नेटवर्क हेडर रिमूव करके हम सेंड कर देंगे उसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे अब हमें मिलेगा सेगमेंट, तो यहाँ पे हम सारे सेगमेंट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो वेरीफाई करेंगे, और रिलायबल है या अनरिलायबल है जो भी सर्विस है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ से उसका रेस्पॉन्स सेंड कर देंगे, और उसके बाद फिर हम ये जो मैसेज है उसको डिलीवर कर देंगे हमारे एप्लीकेशन लेयर पे। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक एंड से दूसरे एंड के बीच में क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ऊपर की टॉप थ्री लेयर्स पे हमारे पास मैसेज था, फिर उसके बाद हमने उसे कन्वर्ट कर दिया सेगमेंट में, सेगमेंट के बाद वो कन्वर्ट हो गया पैकेट के अंदर, पैकेट के बाद वो कन्वर्ट हो गया आपका फ्रेम में, और फ्रेम के बाद बिट्स में, ठीक है दोस्तों। नाउ आगे देखिए बाप, तो अब होता क्या है, ये जो सारी लेयर्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में, जैसे कि ये सेवन लेयर और सिक्स लेयर के बीच का जो एरिया है जिसके थ्रू हमारा मैसेज क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर के बीच में, तो वो जो एरिया है वो कहलाता है हमारा इंटरफेस, ठीक है। तो हम इंटरफेस के थ्रू हम एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर मुझे एक एप्लीकेशन लेयर से दूसरे एप्लीकेशन लेयर के बीच में डेटा ट्रांसमिट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये इंटरफेस यूज करते हुए अपना डेटा ट्रांसमिट करूंगा सारा, एंड देन फिर दूसरी एप्लीकेशन लेयर पे वो सारा डेटा सेम उसी फॉर्म में मुझे रिसीव होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, तो इसके बीच का जो इंटरफेस है वो कहलाएगा हमारा लेयर 3-4 इंटरफेस, ठीक है। ऐसे ही नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में जो एरिया है वो कहलाएगा हमारा सेकंड और थर्ड इंटरफेस,
ठीक है, तो ये इंटरफेस का यूज करते हुए हम जो भी एक लेयर का डेटा है वो दूसरी लेयर पे क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसमिट करते हैं, एंड देन फिर हम दूसरे एंड पे डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा OSI लेयर आर्किटेक्चर, या हम इसे बोल सकते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को दोस्तों आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज करो आपको एरोप्लेन यूज करना है और एरोप्लेन सर्विस का यूज करते हुए आपको जयपुर से बॉम्बे जाना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जयपुर में जाके आप जो भी आपका एयरपोर्ट है वहां पे आप टिकट परचेज करेंगे, फिर टिकट परचेज करने के बाद आप एंटर करेंगे, वहां पे अपना बैग वगैरह चेक करवाएंगे, बैग वगैरह चेक करवाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फ्लाइट में अपना जो भी बैगेज है वो उसको लोड कर देंगे, एंड देन फिर आपकी जो फ्लाइट है वो रनवे पे टेक ऑफ होगी। फिर वो जो भी एरोप्लेन का जो रूट है जयपुर से बॉम्बे का वो फॉलो करते हुए आपकी जयपुर से बॉम्बे तक पहुंचेगी, बॉम्बे जाके वो क्या होगी आपकी फ्लाइट वहां पे लैंड होगी। ठीक है, फिर लैंडिंग के बाद में आप क्या करेंगे, अपना सामान वहां से क्या करेंगे, अनलोड करेंगे, मीन्स गेट से आप सारा सामान वगैरह अनलोड कर रहे हैं, एंड देन फिर अपने जो भी बैगेज है उनको आप क्लेम कर रहे हैं कि हाँ ये आपका बैग है। ठीक है, और फिर जो आपका टिकट था उसको वेरीफाई करवाते हुए चेक करवाते हुए कि हाँ आपने सक्सेसफुली अपने ट्रेवल कर लिया, उसको वेरीफाई करवाते हुए आप बाहर आ जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने प्रोसेस किया था सेंडिंग साइड पे उसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस किया हमने रिसीविंग एंड पे। तो सेम इसी कंसेप्ट पे हम क्या करते हैं, हमारी OSI लेयर आर्किटेक्चर में एक एंड से दूसरे एंड के बीच में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो ये था दोस्तों आज हमारे लेक्चर के अंदर OSI मॉडल के अंदर। अगर आपके कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, नाउ नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे TCP/IP मॉडल।